हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर। गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो गाइस एक प्रीव्यू वीडियो है, ये कोई मैच की डिटेल नहीं है। मैच की वीडियो इसी के बाद आ जाएगी, बिकॉज आप सामने देख सकते हैं वुमेंस बिग बैश लीग का फिक्सचर जो है आप लोगों के सामने है। गाइस, कल से मैचेस शुरू हो रहे हैं और 27 नवंबर तक चलने वाले हैं, तो काफ़ी शानदार अपने लिए सीरीज़ रहेगी। और वुमेंस मैच को लेके गाइस जैसा अपना की रिजल्ट है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, अपन काफ़ी अच्छा खासा करते हैं। अब गाइस कुछ चीज़ें आगे इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि आपको मैच में फैंटेसी को लेके क्या करना है, लेकिन थोड़ा पहले मैच की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं आपको स्क्वाड सारे समझा देता हूँ। इसमें गाइस क्या होगा कि हर टीम में दो ओवरसीज़ प्लेयर खेलते हैं। अब गाइस यहाँ से आप लोग देख लीजिए, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से गाइस एलिसा पेरी दिखेंगी आपको, एशली गार्डनर काफ़ी क्लास प्लेयर जो अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं, अपन सबको पता है अभी जो खेल रहे थे, एलिसा हेली, शेफाली वर्मा, राधा यादव इसमें ओवरसीज प्लेयर हैं, जेड एलियन, निकोला बोल्टन, माल्टे ब्राउन, एरिन बर्न्स भी अभी द हंड्रेड्स में अपन ने देखा कितना शानदार खेलने, स्टेला कैम्बेल, लॉरेन चीटी, एमा हक्स, मैथिदा हक्स, एग्ला रिक्स, क्लेरा मूरे। अब गाइज ये हो गई सिडनी सिक्सर्स की बात, अब मेलबर्न स्टार्स की बात कर लेते हैं। तो मैक ग्लेनिंग वर्ल्ड क्लास बैटर है, एनाबेल सुतरलैंड, माया बाउचर, किम गार्थ, लिंसी स्मिथ, लूसी क्रिप्स, मैडी ट्रिक, निकोला फाल्टम, टिस फ्लिंटॉप, जॉर्जिया गल, एना लेनिंग, रायसा मैकेने, एरिन ऑप्शन, एलिसा विलानी। अब गाइज इसमें आप लोगों को बता दूं, ओवरसीज प्लेयर है किम गार्थ और लिंसी स्मिथ, सेम एज हॉबर्ट हरिकेन्स में। अब गाइज एक चीज़ बता दूं, ये लाइनअप के अकॉर्डिंग नहीं है, लाइनअप के अकॉर्डिंग अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो में ऑब्वियसली बताऊंगा ही। अपनी हॉबर्ट हरिकेन्स की तरफ से गाइज तीन ओवरसीज प्लेयर हैं, मेगन डुप्रीस, रिचा घोष अपने इंडिया की, और रेचल प्रीस काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं। बाकी इसमें आपको देखने मिलेंगी निकोला कैरी, माइसी गिब्सन, रूथ जॉनस्टन, एंजेलिना गेनफोर्ड, साशा मोलोनी, क्लो रेफ्ती, एमी स्मिथ, नाओमी स्टैनबर्ग, मॉली स्टैनो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर, रेचल ट्रेमेन अभी थोड़ा इंजर्ड है लेकिन अगर ठीक हो सकती हैं तो एक 12th प्लेयर की तरह रहेंगी टीम के साथ, बेलिंडा वैक्रावा और टेला वेलमिक। अब गाइज टेला वेलमिक मैं बहुत ही बार आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं इनकी पर्सनली ट्विटर पर भी इनकी बहुत सारी तारीफ कर चुका हूँ। एक गाइज कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर अगर 5वें नंबर पे आके ऐसी बैटिंग करता है और कंसिस्टेंटली करता है तो एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ये। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हुई थी उससे इनका काफ़ी जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई हो गया होगा और एक अच्छा मतलब इनको बूस्ट मिल गया है। सिडनी थंडर की बात कर लेते हैं, कई रेचल हेल्स आपको दिखेंगी, समांता बेट्स, हैना डार्लिंगटन, जेसी डेविलसन, कॉरिन हल, सेमी जो जॉनसन, एनिका लियोट, फोइबी लेचेल, स्मृति मंदाना ओवरसी प्लेयर, केट पीटरसन, ओलिविया पोर्टर, दीप्ति शर्मा ओवरसी प्लेयर, लॉरेंस स्मिथ, टाइलर विल्सन और इसी वॉन्ग ओवरसीज प्लेयर्स हैं। तो इसमें अपने दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना दोनों ही खेल रहे हैं। एडिलेड टाइगर्स की गाइस बात कर लेते हैं तो डार्सी ब्राउन दिखेगी, टाइलर मैकग्रथ, मेगन शर्ट, डैन वैन नियरिक, लॉरा वुल्वर्ट, जेमी बार्सवी। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्टार्टिंग के 5 प्लेयर्स हैं कितना ही स्ट्रॉन्ग इनका एक वो हो गया है टीम। नील बाइसन स्मिथ दिखेंगी, सारा क्वालिटी दिखेंगी, मेगन डिक्सन, केटी मैक, टेगन मैकप्लेन, ब्रिजिट पेटरसन, मेडल पीना, एनी ओनील, एजे वेलिंगटन। ओवरसीज प्लेयर्स कौन है, डैन वैन नियरिक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, लॉरा वुल्वर्ट एक अच्छी बैटर है। अब गाइज पर्थ स्कॉचर्स की बात कर लेते हैं तो इनकी तरफ से गाइज आपको सोफी डिवाइन एक अच्छी खासी प्लेयर है, आप सब जानते हैं न्यूजीलैंड की, प्लस कैप्टनसी कर रहे हैं इस टीम की, बेथ मुनी ये भी एक बहुत शानदार, अब तो ये वर्ल्ड T20 फॉर्मेट की एक नंबर वन बैटर बन चुकी है, शेफाली वर्मा की जगह ले चुकी है, उनसे भी ऊपर जा चुकी हैं, चमारा अस्पतु श्रीलंका की है, मरिजाना कप साउथ अफ्रीका अपन सब जानते हैं, समांता बेट्स, मेथला चामरी, पीपा क्लियरली, एशली डे, एमी एडगार, हैदर ग्राम, लिसा ग्रिफिथ, एलेना किंग, लिली मिल्स, टेनेला पेस्टेल, क्लो पीपारू। मेलबर्न रेनेगेट्स की बात कर लेते हैं, सोफी मोरोनिक्स कैप्टनसी कर रही है, सोफी मोरोनिक्स जो बॉलिंग करती थी अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी शानदार प्लेयर है, कैप्टनसी कर रही है, मैनकिली ब्लाउंस, जोसी डोली, जेस डफिन, एली फेक्नर, होली फर्लिंग, पॉपी गार्डनर, एला हेवर्ड, इव जोन्स इंग्लैंड की प्लेयर है, हरमनप्रीत कौर गाइज इसमें एक ओवरसी प्लेयर है अपने इंडिया की, और इसमें ही जेमिमा रॉड्रिज भी है अपने इंडिया की, कैली लीसन, रियाना ओडलिन और कॉर्टनी वेब आपको दिखेंगी, जॉर्जिया वरियम भी दिखेंगी जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलर है। अब गाइज ब्रिस्बेन हीट के स्क्वाड की बात कर लेते हैं, जेस जोनासन कैप्टनसी करेंगे, एनी बॉश आपको दिखेंगी अच्छी प्लेयर है, नैन डी क्लर्क भी एक बहुत अच्छी साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर है,
पूनम यादव इंडिया की तरफ से एक ओवरसीज प्लेयर, जोई कुक, निकोला हेनॉक, ग्रेस हैरिस, लॉरा किमिन्स अच्छी प्लेयर हैं, मिकाला हेनकली, एली जॉन्स्टन, चार्ली नॉट, जॉर्जिया प्रेशवाइज, जॉर्जिया रेड माइनी, ये भी एक पार क्लास प्लेयर है रेड माइनी विद द बैट, कॉर्डनी सिपिल, जॉर्जिया वॉल। अब गाइज एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है, कि आप लोगों को एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया सबका। अब गाइज प्लेयर्स भी मैं जो आप लोगों को बताऊँगा, तो गाइज एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आज तो मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो बता दिया, लेकिन गाइज कल से मैं पूरी ही सीरीज़ कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पर, और उसके लिए कुछ सजेशंस भी रहेंगे। तो आप लोग जैसे वीडियो देखते जाएंगे तो आप उसमें कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, तो थोड़ा मैं आगे भी आप लोगों के लिए बढ़िया करूँगा। अब गाइज एक चीज़ और बता दूँ कि ग्रैंड लीग के लिए बहुत शानदार, आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे से लेना, स्मॉल लीग का ध्यान मैं रख लूँगा, आप लोग ग्रैंड लीग पर फोकस करना। मैं चाहता हूँ अपने BFT फैमिली में से कोई इसको रॉक करे, बिग बैश लीग में कोई एक अच्छा खासा कमाए। इसका मतलब क्या है गाइस, इसको कोई एक मेगा ग्रैंड लीग जो भी होगी उसमें फर्स्ट रैंक लेके आए, ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी ओवरऑल अगर आप लोगों के पास नॉलेज होगी तो आप अच्छा खासा रैंक ला ही सकते हो। बिकॉज क्या होता है गाइस, वुमेंस मैच में एक चीज़ बता देता हूँ फॉर स्मॉल लीग। अब गाइस मैं अपने चैनल पर जो भी आप लोगों को टीम दूंगा फाइनल मेरी, तो गाइस हो सकता है 50% या 70% टाइम्स मैं आप लोगों को दो टीम दूँ। तो गाइज़ आप लोगों को करना क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ गाइज़ यहाँ से। तो गाइज एग्जांपल के रूप में एक ये अपना ही चैनल है, साउथ अफ्रीका वुमेंस सॉरी आयरलैंड वुमेन वर्सेस जिम्बाब्वे वुमेन का मैच था। अब गाइज वुमेंस मैच में होता क्या है कि काफ़ी शानदार ऑप्शन अपने पास होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, तो अगर अपन उनको नहीं करते हैं तो हो सकता है ओपोनेंट कर दे, उनके साथ रिस्क खेल जाए या आपको मिल जाए वैसा ओपोनेंट, तो आपका लॉस हो सकता है। तो मैं ये वाली रिस्क बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैंने अपने चैनल पर मैं टीम भी देता हूँ, तो मैं देख लिया आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं फाइनल यूज़ बोथ कॉम्बिनेशन, मतलब आप दोनों ही यूज़ करें और इक्व। अब गाइज दोनों यूज़ कैसे करनी है यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरा रिजल्ट है उसी मैच का। तो गाइज आप देखो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है यहाँ पे। गाइज फर्स्ट टीम तो एक बेकार गई थी, मतलब ऐसी पड़ी हुई थी पहले से, तो मैंने 2 और 3 बनाई थी। तो गाइज यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, ये रिज़ल्ट। तो गाइज देखो टीम 3 से विनिंग, मतलब आप देख लो टीम 3, टीम 2, यानी टीम 2 से मैंने 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए और टीम 3 से 3 कॉन्टेस्ट, 1, 2 और लास्ट वाला 3। तो गाइज इक्वल इन्वेस्टमेंट ये होता है, जब जब दो टीम आए आपके सामने तो आप लोगों को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आप लोग इक्वल विन करो। अब गाइज आप खुद सोचो कि अगर आप 3 मेंबर, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि 3 मेंबर ही खेलना, 4 मेंबर तब खेलना जब आपके पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा हो, या मतलब क्योंकि रिस्क ज़्यादा होती है उसमें, तो जब आप पहले अच्छा सा कमा लो उसके बाद 3-4 मेंबर खेल लेना, या जिस मैच में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसमें भी 4 मैच खेल सकते हो। अब गाइस एक चीज़ बताऊँ, इक्वल इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होता है जब दो टीम आती हैं, तो फ़ायदा ये होता है कि गाइस जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 7 रुपये के गाइस वैसे 21 रुपये होते हैं, लेकिन अगर 21 नहीं हो पाए तो आपके 14 तो होंगे ही ना, एट द एंड ऑफ द मैच आपके 14 तो होंगे ही, बिकॉज दोनों ही फ्लॉप जाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं हुआ है कभी ऐसा। तो इसलिए जब भी मैं आपसे कहूँ कि दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो आप लोग को इसी तरह इन्वेस्ट करना है। अगर आप सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप 500 रुपये का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, तो आपको 500 का एक मेन टीम से करना है, 500 का एक बैकअप टीम से करना है, ऐसे करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और जिस मैच में पूरा कॉन्फिडेंस होगा उसमें एक ही टीम आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है, ये एक इन्वेस्टमेंट गाइड है आप लोगों के लिए स्मॉल लीग्स के लिए। बाकी ग्रैंड लीग्स के लिए तो मैं आप लोगों को देखो वीडियो उसमें पहले भी स्पेशल प्लेयर्स बता देता था, वेन्यू परफॉर्मेंस सब बताऊँगा, हेड टू हेड बता दूंगा। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री रहो इससे कि आपको वुमेंस बिग बैश लीग के लिए कहीं और जाना है, आपको मेरे पास ही रहना है। बस गाइस सपोर्ट बनाए रखना है, क्योंकि अब मुझे भी थोड़े गाइस काम आगे करने हैं, बढ़ाना है काम, तो गाइस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। थैंक यू गाइस। एक चीज़ और बता दूँ गाइस, बिग बैश लीग खेलना स्मॉल लीग्स के लिए बढ़िया ऐप है, हमारे चैनल पर जाओगे ऊपर पिंड मैसेज है उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको ये सारे ऐप्स की लिंक मिल जाएगी। कोई भी ऐप पे गाइज आप साइन अप करना, सब पे इंस्टेंट विड्रॉल है, सारे ट्रस्टी ऐप हैं, सबके ब्रांड एम्बेसडर आप चेक कर लो, मैं यहीं पर खेलता हूँ, मेरे स्क्रीनशॉट चेक कर लो, तो आप इन सब पे गाइज साइन अप करके रखो, बिकॉज मैं गिव अवे कराऊंगा बिग बैश लीग में और कहीं ना कहीं मैं कराता ही रहूँगा, तो आप लोग इन सब पे साइन अप करके रखो। बस गाइज एक चीज़ यूज़ कर लेना कि साइन अप करते हो BF टिप्स कोड यूज़ कर लेना ताकि आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ जाओ और वो गिव अवे आपको भी दिखे। तो गाइज थैंक यू वीडियो देखने के लिए,
बाकी जो कल वाला फर्स्ट मैच है, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स, दिन में 1:40 पे शायद, एक बार अपन चेक कर लेते हैं कहाँ गया। सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स स्टार्ट एट 7:40 PM, यानी ये गाइस रात में होगा अब ये। हाँ अपने हिसाब से ये 7:40, अब जो भी टाइम होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से आएगी, आप लोगों को मिल जाएगी गाइस। मैं वीडियो कोशिश करूँगा 8-10 मिनट की रखूँ, ताकि आप लोग एक बार देखो तो आप लोगों का अच्छा खासा फ़ायदा ही फ़ायदा हो। थैंक यू गाइस।